रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं चैप्टर फादर ऑफ द नेशन की, और आज हम उसमें ट्राइग्राफ करेंगे। बिगिनिंग ट्राइग्राफ, अ ग्रुप ऑफ थ्री लेटर्स जनरेटिंग वन साउंड कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड कॉल्ड बिगिनिंग ट्राइग्राफ। वो तीन लेटर्स का ग्रुप जो एक साउंड जनरेट करता है उनको बिगिनिंग ट्राइग्राफ कहते हैं। जैसे स्क्रैप, स्क्रैप जो है ये कबाड़ या रद्दी को कहते हैं। फिर है शेड्यूल, अहम तारीखों को नोट करना, तरतीब देना। जो वेल ऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो अपना कैलेंडर मार्क कर लेते हैं। फिर है श्रिंक, बिकम स्मॉलर इन साइज, सुकड़ जाना। अगर आपने वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा डालें तो वो कई दफ़ा श्रिंक हो जाता है। स्कूल, स्कूल वो बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। फिर है श्रेड, पुर्जा पुर्जा कर देना। श्रेडर एक मशीन होती है जिसमें आप वो चीज़ें जो आप पुर्जा करना चाहते हैं उसमें डालते हैं, पीसीस हो जाते हैं। फिर है एंडिंग ट्राइग्राफ, व्हेन ट्राइग्राफ कम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड दे आर कॉल्ड एंडिंग ट्राइग्राफ। जैसे TCH है, इससे पहले अगर आप वॉच लगा दें तो घड़ी को वॉच कहते हैं, WATCH। तो TCH इज द एंडिंग ट्राइग्राफ। एक और मीनिंग जो है वो सी और लुक, वॉच देखना में आता है। फिर है वॉच, कॉशन आर रिस्ट्रेंट अबाउट, मोस्ट वुमेन वॉच देयर डाइट। तो प्यारे बच्चों, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, अपनी सोचों की हिफाजत करो ये अल्फाज बन जाते हैं। वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शन, अपने जो वर्ड्स हैं अल्फाज हैं उनकी हिफाजत करो वो एक्शन बन जाते हैं। वॉच योर एक्शन दे बिकम हैबिट्स, बार बार एक्शन करने से आदत बन जाती हैं। वॉच योर हैबिट्स दे बिकम कैरेक्टर, हैबिट्स जो हैं वो किरदार बन जाती हैं। वॉच योर कैरेक्टर फॉर इट बिकम्स योर डेस्टिनी, और आपका किरदार आपका मुकद्दर बन जाता है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ, अपनी सोच तब्दील करो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। योर थाट्स क्रिएट योर रियलिटी, तुम्हारी सोच तुम्हारी हकीकत तख्लीक करती हैं। प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोचो। Act the way you want to be, उस तरह अमल करो जैसा तुम बनना चाहते हो। And soon you will be the way you act, और वैसे ही कुछ अरसे बाद वैसे ही हो जाओगे आप जैसा आप अमल करते हो। So I choose, मेरा इंतखाब क्या है? To live by choice, not by chance, मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। To make changes, not excuses, मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहता हूँ, बहाने नहीं बनाना चाहता। To be motivated, not manipulated, मैं अंदर से मोटिवेट हूँ, मेरे अंदर जज्बा है, मैं दूसरों की मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहता। टू बी यूजफुल नॉट यूज, मैं मुफीद शहरी बनना चाहता हूँ ना कि कोई मुझे इस्तेमाल करे। टू एक्सेल नॉट टू कम्पीट, मेरा मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, मेरा मुकाबलाबाजी नहीं है। आई चूज सेल्फ इस्टीम। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है मैच, मैच किसी सपोर्ट में जब मैच होता है लोग, अ कॉन्टेस्ट मुकाबला, इन विच पीपल आर टीम्स कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सपोर्ट। किसी भी गेम के अंदर दो टीमें या दो लोग एक मुकाबला करते हैं उसको भी मैच कहते हैं। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो भी हम कहते हैं अ पर्सन आर थिंग दैट इज इक्वल टू एन अदर इज क्वालिटी आर स्ट्रेंथ, तो हम कहते हैं परफेक्ट मैच। तो मैच का एक ये मतलब भी है। फिर हम जो मैच है, ये मैच स्टिक को भी कहते हैं, मैच जिससे हम आग जलाते हैं, माचिस जिसको उर्दू में कहते हैं। फिर है स्केच, स्केच में भी आपने देखा कि एंड में एक ट्राइग्राफ आता है, स्केच कहते हैं। खाका, जैसे आपने ये देखा ये सेब का स्केच है, तो आप अपनी ज़िंदगी अपने भी स्केच बना सकते हैं, ठीक है। फिर है बैज, बैज निशानी को कहते हैं। आप क्या जो हेड बॉय होगा या हेड गर्ल होगी उसका भी बैज होता है, आई हैव अ बैज। जब आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी बैच लगाते हैं, ऑर्गेनाइजर पता चल जाता है। फिर है जज, अ पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड टू डिसाइड केसेस इन अ लॉ कोर्ट, जज जो है वो कोर्ट में केसेस का फैसला करता है। प्यारे बच्चों, अपनी शख्सियत की तामीर करें कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर अपने मुल्क की खिदमत के लिए जुट जाए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फादर ऑफ नेशन से हमें यही सबक मिलता है। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।